अरे कहाँ जा रहे हो? अस्पताल जा रहा हूं मां। तो मरीजों को थोड़ी ना पता है कि डॉक्टर वीर पूरी रात जागरण करके लौटे हैं। वो लोग तो बस सारी दुनिया की चिंता है आपको, बस अपनी मां की चिंता नहीं है। जानते जानते सारी रात जागे हैं, बस इसी सोच में कि आपको कुछ हो ना जाए, यही प्रार्थना करते रहे कि आप ठीक रहे। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, I'm all right, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसी चोट तो नहीं है ना जो बाहर से दिखाई ना दे, लेकिन अंदर महसूस हो रही हूँ। वैसे खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हें भी किसी बात से डर लगता होगा ना? अकेलेपन। माँ मैं ठीक हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे। ये क्या है, ये चोट कैसे, ये क्या हुआ है? हाँ ये कृष्णा के जख्म से ना गोली निकाल रहा था तो उसने कस के वहां पकड़ ली, तो बस। अरे डॉक्टर साहब, कृष्णा कैसी है, बात हुई उससे? सुबह से तो मैडम से बात नहीं हुई, फोन करता हूं अभी। कीड़े पड़े उन लोगों को, ऐसे करता है कोई भला? हाँ यही ना इस देश की प्रॉब्लम है, इस देश के लोगों की प्रॉब्लम है। औरतों की, लड़कियों की इज्जत नहीं करते, बस उनको दबाने के ना तरीके ढूंढा करते हैं। कहीं भी कुछ हो जाए ना, सबसे पहले औरतों को टारगेट किया जाता है। चौबे देखो यार, अबे ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। साला बहुत उड़ रहा था, अस्पताल खोल लिए हैं, व्यापार संघ के मास्टर जी बने हुए हैं, इनकी ऐसी की तैसी, सबको बोल दिया ना चौरसिया। अमा यार चौबे, तुम बस तैयार रहो, हमला होने ही वाला है। अगर बदनामी करनी हो ना, सबसे पहले औरतों का नाम आता है। दबाना हो, जोर दिखाना हो, तो औरतों को दबा दिया जाता है। इस देश के लोग सुधर ही नहीं सकते इस सुबह। मां अगर कृष्णा ने उस औरत के बच्चे को ना पकड़ा होता ना मदद के लिए, पापा को तो पता ना चलता कि वो लोग उस औरत और उसके बच्चे को मार देना चाहते हैं। सबको बोल दिया ना चौरसिया। अमा यार चौबी, तुम बस तैयार रहो, हमला होने ही वाला है। अगर बदनामी करनी हो ना, सबसे पहले काश ऐसी प्रगतिशील सोच सबकी हो जाए। और बेटा एक सच्चाई और भी है, कृष्णा को बहुत डांटते हो तुम, है ना? हाँ मैं कृष्णा को इसलिए नहीं डांटता कि वो एक औरत है, बल्कि मैं उसे इसलिए डांटता हूँ क्योंकि वो कभी कभार ना बहुत इडियोटिक हरकतें करती है। लेकिन इस बार सच में अगर वो ना होती ना, तो मैं बहुत अकेला पड़ गया होता। ध्यान से जाना। हाँ ये लो। Bye, have a good day. ये देखो अभी भी डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है। बस एक बार तुम्हारे कच्चू भैया दवाई लेकर आ जाए, हम घर पे ही मरम पट्टी कर देंगे। अम्मे मैया, मम्मी जी देखिए तो
यहाँ ये देवी जी को चोट लगी और वहाँ डॉक्टर बाबू के कपड़े उतर गए। दूसरा देखिए, मर्दानी है। मम्मी जी, वो हम लोग के गांव में गए थे, वहाँ लोगों ने हमला कर दिया। तो ये सब तुम हमें काहे बता रही हो? हाँ, हमसे पूछ के तो नहीं गई ना? अब गांव जाओ या लंदन जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है जी लटापर, कि हम तुमको पसंद करें ना करें, हमको अपनी इज्जत जो है ना, वो जान से ज्यादा प्यारी है। समझ गई? तुम्हार नाम के आगे ना अभी भी शुक्ला लगा है, और शुक्ला नाम की ना बड़ी इज्जत है कानपुर में। समझ गई कि नहीं? मतलब उस डॉक्टर के साथ तुमको काम करने का हम परमिशन दे दिए, तो तुमको क्या लग रहा कि बड़े शुक्ला घुटने पे गिर जाए तुम्हारे? तुम्हारे कोमन में आएगा करोगी तुम? पापा जी, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एक मिनट, हमको मालूम है कि लंदन से लौट के आई हो तुम, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कनपुरिया है हम, हमारे सामने ना ज्यादा अंग्रेजी मत फैला, समझ गई ना? जानवर को भी समझाओ 100 बार तू भी समझ जाता, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। आखिरी बार बोल रहा हूं, याद रखना। पापा जी, हमने फोन किया था ललिया भाभी के फोन पर। और हमें लगता है कि शायद फोन बेला भाभी ने उठाया था। लो, अब तुम हम पे ही चढ़ जाओ। हाँ, नहीं मतलब जो तुमने हमको बताया था वही हमने सबको बताया। मनोज, सच्ची मम्मी जी, हमने फोन किया था पर वो। अरे बस करो भाई, कितना सफाई दोगी तुम? अभी हम नहा धोकर आते, फिर अस्पताल जाना। मामा मामा, ये देखो। हाँ बेटा, किसने दिया? रोड पे किसी ने दिया और बोला जाके दादू को दिखाओ। अच्छा, रही लड़की है। बोला था मैंने कि जख्म में दवाई लगा लेना, अब उल्टा फोन ही नहीं उठा रहे। अजीत, वो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? मिस मलिया, अभी कृष्णा अब तक आई है नहीं? सर ये, अरे कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर ये ये पोस्टर कहां से आया? सर पूरे शहर में लगे हैं ये पोस्टर। अरे हम लुट गए, अरे हमारा मुंह काला हो गया, ये देखिए।
नया ड्रामा चालू हुआ है। बता रही है पापा जी, रोमियो और जूलियट बन के घूम रहे हैं चिलाटा पर और डॉक्टर साहब। कम में मैया, हमारे पापा जी को शक्ति देना प्लीज। सर ये वीडियो आपका पुलिस वैन में तेजू को लेकर चलते हुए। अजीत पुलिस स्टेशन फोन करो, पता करो कि किसके मोबाइल नंबर से लीक हुआ वीडियो है। जी सर। सुनो। हाँ सर। मेरे कैबिन में हो। ओके सर। कृष्णा अगर उसके घर वालों तक ये वीडियो पहुंच गया तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।